तपती धूप पड़ रही है, लिफ्ट का पता नहीं है, कल पता नहीं लिफ्ट मिले आज या ना मिले। हेलो हाय फ्रेंड्स, फिलहाल जो है बर्दीवास नाम की जगह पर यहाँ तक लिफ्ट मिल गई है 162 किलोमीटर की। उस भाई ने मेरे को लिफ्ट दे दी यहाँ तक। तो अभी फिलहाल जो है हम आगे के लिए हिचहाइकिंग करते हैं विराटनगर के लिए। विराटनगर देखते हैं अपना, नॉर्मली समथिंग 12:30 का समय हो रहा था अब तक। जहाँ तक हिचहाइकिंग की जाए अपना जल्द से जल्द करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी आ गई है कि जो करेंसी है यहाँ की नेपाली अब ख़त्म होने लगी है, मतलब अराउंड 1000-1200 रुपये की बच रही है। तो देखते हैं यहाँ से अपना हिचहाइकिंग को स्टार्ट करते हैं अपना। और ये बर्दीवास नाम के इलाका है यहाँ पर, ये जनकपुर को रास्ता जाता है इंडिया को कुछ ही दूरी पर। अब जब बॉर्डर है यहाँ से इंडिया का, तो इंडिया में तो नहीं जाना अपने को निकल के, अपने को तो नेपाल से ही निकल के जाना है। तो देखते हैं अपना कुछ इलाका है यहाँ का, ये मंदिर है। तो चलो फिर यहाँ से अपना हिचहाइकिंग को स्टार्ट करते हैं। खाना वाना वगैरह सब कर ही लिया था, तब तो किसी बात का वेट करना ही नहीं है। गर्मी भाई काफ़ी हो रही है, देखते हैं आगे से। यहाँ पर अपना ठिया जमाते हैं, यहाँ पर कुछ छाँ हैं तो यहाँ पर अपना ठिया जमाएंगे। देखते हैं कौन सी लिफ्ट मिलती है। फिलहाल पीछे से कोई लिफ्ट नहीं मिली है, देखते हैं आगे से कोई मिलेगी तो आगे अपना जाकर रुकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर पीछे तो रुके थे तो कोई लिफ्ट नहीं मिली है यहाँ से, तो आगे की ओर से देखते हैं। ये सारा रास्ता जो जा रहा है जनकपुर को जा रहा है इस साइड से, और सीधा निकलेंगे तो आगे को निकलेगा विराटनगर को। तपती धूप पड़ रही है, लिफ्ट का पता नहीं है, देखते हैं कितने समय बाद लिफ्ट मिलती है। चार बजे का समय हो चुका है, कोई लिफ्ट नहीं मिली। उस भाई ने बस 3 किलोमीटर दूर की लिफ्ट दी थी, सबसे लंबी जो लिफ्ट थी वो मेरी वही थी अपना काठमांडू से 162 किलोमीटर दूर की। तो देखते हैं क्या सीन है आज का, वरना तो यहीं रुका जाएगा। इस साइड से वही जनकपुर बॉर्डर निकलता है, तो देखते हैं अगर लिफ्ट मिलती है तो आगे की ओर चलते हैं, वरना तो यहीं रुका जाएगा अपना। 4 तो बज चुके हैं, लिफ्ट नहीं मिली है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। लिफ्ट का फ़िलहाल कुछ नहीं पता, 4:30 बज चुके हैं, देखते हैं लिफ्ट मिलती है नहीं आगे के लिए, वरना तो स्टे यहीं होना है फिर। आज कोशिश करेंगे रात में लिफ्ट लेने की, आज देखते हैं। फिलहाल देखते हैं कौन सी लिफ्ट मिलती है। भाई सीन कुछ ऐसा है, 3 घंटे हो चुके हैं तो कोई लिफ्ट नहीं मिली है, 5 बज चुके हैं फिलहाल, पता नहीं लिफ्ट मिले आज या ना मिले। तो आप बस ये नदियाँ ही देखो सूखी हुई, आगे निकलते हैं अपना अगर मिलती है लिफ्ट कोई। फिलहाल कसूरी के लिए अपना जो है लिफ्ट मिली है भैया के साथ में, ये भाई ने मुझे लिफ्ट दिए फाइनली, तो देखते आगे का क्या रहता है। हेलो हाय फ्रेंड्स, नवादिक टूरिस्ट 1 मिनट। अच्छा तो देखते हैं कहां तक का अपना रहता आगे का। फिलहाल जो है लास्ट वाली अपनी वो लिफ्ट मिली थी भैया की, और लगभग 6 बजने वाले हैं, सूर्य देवता अब छिपने वाले हैं। तो देखते हैं अपना स्टे कहाँ तक का होता है, कोई लिफ्ट मिलती है ना आगे के लिए।
ये कुछ इलाका है इस तरीके का। अब ना कोशिश करते हैं कोई और अगर लिफ्ट मिलती है तो आगे तक जाने के लिए, क्योंकि अब रात होने वाली है। फिलहाल ये तीसरी लिफ्ट मिली है अपने को, ये भैया ने दी है इन्होंने, और चलते हैं इनके साथ में कहाँ तक का अपना वो है, बाकी आगे देखते हैं क्या सीन है आज का। ये इलाका है यहाँ का, देखते हैं वहाँ पर अपना रात हो चुकी है। नेपालगंज से आ रहा हूँ, नेपालगंज से मैंने सिर्फ पोखरा ही छोड़ा है, उसके अलावा मैं इधर से आ रहा हूँ अपना भरतपुर से निकलता हुआ और हिटोड़ा नाम की जगह से आ रहा हूँ निकलता हुआ, और इसी तरह से मैं अपना लिफ्ट लेकर ही चल रहा हूँ। नहीं फिलहाल अपना कुछ सिटी ऐसे हैं, अभी मुझे कुछ ज़्यादा नाम याद नहीं है, मतलब मैप के जरिए ही नाम याद रख पाता हूँ, ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। वो तो भगवान को जन्म हुआ है लुम्बिनी में। अच्छा, मैं तो लुम्बिनी में जन्म हुआ है। जैसे जैसे मुझे पता लगता रहा मैं वैसे वैसे उधर से अपना घूमता रहा, क्योंकि अराउंड एक भैसे नाम की जगह थी जो काठमांडू से कुछ 70 किलोमीटर दूर पहले थी, तो उस साइड में मैं पहाड़ी इलाके में मतलब फंस गया था। वहाँ पर रोड ख़राब थी बहुत ज़्यादा, पहाड़ थे बहुत ज़्यादा, मैंने समथिंग 12 किलोमीटर पहाड़ की पूरी चोटी तक चढ़ दी थी। ये मान के चलो यहाँ पर तो पहाड़ दिख नहीं रहे, जैसे वो चोटी है ना सामने, वो पूरी चढ़ दी थी अपना। आपको मैं अपना YouTube चैनल बताऊंगा, अगर देखना चाहो तो उस पर सारी वीडियो मिलेंगी, वो सारी की सारी। ठीक है, आप बताइए ना नाम से आपको YouTube चैनल। नोमादिक टूरिस्टर YouTube का चैनल का नाम है। एक बार फिर से बोले तो नोमादिक टूरिस्टर। नोमादिक टूरिस्टर, हाँ। चलिए मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ।